हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीताज किचन। आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। सिंपल और इसी तरीके से बनाएंगे और टेस्टी भी बहुत बन के तैयार होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। 500 ग्राम चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था और इसका सारा पानी मैंने हटा दिया है। इसमें अब हम डाल देंगे आधा नींबू का रस और इसके साथ ही हम डालेंगे आधा टी स्पून हल्दी। एक टी स्पून मैं यहाँ पर चिकन मसाला का यूज़ कर रही हूँ और आधा टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, एक टीस्पून मैंने यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च ली है, इसे भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसको डाल देंगे। इसके साथ मैंने 3 हरी मिर्च को भी पीस लिया था जो कम तीखी थी। और 100 ग्राम जितना हम यहाँ पर दही डाल देंगे। दही का सारा पानी मैंने हटा लिया था। आधा कप जितना कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 4 हरी मिर्च को मैंने बीच से चीरा लगा कर ले लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। 4 बड़े प्याज को फ्राई करके ले लिया है और इसको भी हम डाल देते हैं। फ्राइड अनियन घर पर ही तैयार कर लिया था। पतले पतले प्याज को काट के तेज़ गर्म तेल में फ्राई कर लीजिएगा। बैचेस में फ्राई करेंगे तो करारे होंगे थोड़े से और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छे से मसाले के साथ कोट कर लिया है। अब हम इसको फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे और 1 घंटा बाद चिकन रेडी है बनाने के लिए। अब हम एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखेंगे और इसमें 1/2 कप तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। इसके साथ हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 जावित्री, 1 चक्रफूल, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची को खोल के, 3-4 काली मिर्च और 2-3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी देर के लिए हम इसको सॉटे कर लेंगे। फ्लेम को लो कर लेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और फटाफट से मैरिनेटेड चिकन को डाल देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है और 5-6 मिनट हम पहले चिकन को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। इसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम में हम ढक के चिकन को पकाएंगे। चिकन को पकते हुए यहाँ पे 15 मिनट हो गया है। बीच में मैंने एक बार चला लिया था और इस स्टेज में आप चिकन का फ्लेवर रिच करना चाहते हैं तो काजू बादाम का पेस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लिया मैंने और लो फ्लेम में हम 10 मिनट और चिकन को पका लेंगे। यहाँ पर चिकन रेडी है। टोटल मैंने इसको 25 मिनट लो फ्लेम में पकाया है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ था। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।